नमस्कार, मैं प्रिया। आज 3 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जमीन विवाद का निपटारा अब होगा 30 दिनों के अंदर। बिहार के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही होगी 6,000 से ज्यादा बहाली। बिहार में बालू माफियाओं के खिलाफ बढ़ेगी सख्ती। दिल्ली में लालू यादव से मिले मुलायम और अखिलेश। आईसीएमआर ने इस वैक्सीन को बताया डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। PGCIL में अप्रेंटिस के पदों पर निकाली गई रिक्तियां। भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के अधीन कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL ने 1110 पदों पर आवेदन की मांग की है। इसमें इलेक्ट्रिकल, ITI, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, सिविल डिप्लोमा, स्नातक सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस आदि कई पदों को शामिल किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार PGCIL की आधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in पर 1110 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया 21 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है। आईसीएमआर ने इस वैक्सीन को बताया डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी। देश भर में कोरोना के मामलों को खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि जिस वैक्सीन की डोज वो ले रहे हैं, क्या उस वैक्सीन का असर कोरोना के बदलते वेरियंट पर देखने को मिलेगा या नहीं, जिसको लेकर ही अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने एक अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन डेल्टा प्लस वेरियंट के खिलाफ भी अधिक प्रभावी है, जिसकी पुष्टि वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के टेस्टिंग के बाद की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है। के कक्षा 9वीं के छात्र अब भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए अहम सूचना। अगर बिहार बोर्ड की तरफ से लगातार साझा किए जा रहे निर्देश के बावजूद किसी छात्र ने अब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है तो उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी सूचना के अनुसार राज्य के माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान अब अपने संस्थान के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर अब 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही होगी 6,000 से ज्यादा बहाली। बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जल्द ही 6,296 नए चिकित्सकों की बहाली होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही नियमित नियुक्ति के तहत नए चिकित्सकों की बहाली करने वाला है। इसमें 3,706 विशेषज्ञ डॉक्टर तो वहीं 2,590 सामान्य डॉक्टर की बहाली होगी। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से तकनीकी सेवा चयन आयोग को नए डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर अधियाचना भेजी गई थी। तकनीकी सेवा आयोग ने डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग पूरी कर ली है। आयोग से डॉक्टरों की नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होते ही सभी डॉक्टरों का पदस्थापना विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कर दिया जाएगा। जनता दरबार में बीते दिन जमीन के मामलों की हुई सुनवाई। बीते दिन एक बार फिर से जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई की। इस दौरान एक युवक ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। इसको लेकर हम हर जगह गए लेकिन न्याय नहीं मिला। इसके साथ ही कई लोगों ने DCLR कार्यालय और निबंधन विभाग में बिना पैसे का काम नहीं करने की बात भी कही है। कमोबेश सीएम नीतीश के जनता दरबार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम की पूरी पोल खुल गई है, लेकिन शिकायत में निर्णय आने के बाद आदेश का पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं। ज्ञात हो जनता दरबार में कई ऐसे मामले आए जिसमें यह बात सामने आई है कि लोक शिकायत में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। लगातार यह शिकायत मिलने के बाद सीएम नीतीश भी अचंभित हो गए। उन्होंने कहा कि हाल ही में मीटिंग हुई तब तो इस तरह के मामले नहीं आए। शिक्षकों की भर्ती का नया शेड्यूल हुआ जारी। बिहार में शिक्षकों की भर्ती का नया शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके तहत हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में 30,020 पदों पर होने वाली शिक्षकों की नियुक्ति का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले इन नियुक्तियों के लिए 2 जुलाई से काउंसलिंग होनी थी, अब इनके लिए 18 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आवेदन लिए जाएंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग ने अपनी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत विभाग ने कहा है कि जो अभ्यर्थी पहले आवेदन दे चुके हैं उनके दोबारा आवेदन करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं होगी। नए शेड्यूल के मुताबिक 2 अगस्त तक नियोजन इकाईवार 30 जून 2019 तक उपलब्ध रिक्त पदों की गणना की जानी थी, जिसके बाद अंतिम मेधा सूची नियोजन इकाई द्वारा 6 दिसंबर तक सार्वजनिक की जाएगी।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अरविंद श्रीवास्तव की। अरविंद श्रीवास्तव का जन्म बिहार के मधेपुरा जिले में हुआ था। अरविंद बिहार के हिंदी के कवि एवं लेखक हैं। वो संपादन, रेखांकन और अभिनय प्रसारण जैसे कई विधाओं से जुड़े हुए हैं। मुद्रित पत्रिकाओं के साथ साथ वो वेब पत्रिकाओं से भी सक्रिय रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। इतिहास तथा राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद उन्होंने मधेपुरा जिला का ऐतिहासिक सर्वेक्षण विषय पर शोध कार्य किया है। हिंदी, उर्दू और मैथिली तीनों भाषाओं में सक्रिय वो स्तंभ लेखन, संपादन और संयोजन तथा क्षेत्रीय फिल्मों में अभिनय से भी जुड़े हुए हैं। कारखाना का संयोजन उनकी एक विशेष उपलब्धि थी। इस समय वो वेब दैनिक कोसी खबर, अपनी माटी एवं जनशब्द का संपादन कर रहे हैं। जानिए कैसा है आज के मौसम का हाल। बिहार की राजधानी पटना, राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बिहार में आने वाले 4 अगस्त तक व्यापक रूप से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर आईएमडी ने रविवार और सोमवार को राज्य में अलग अलग स्थानों पर तेज हवा के साथ साथ हल्की बारिश और वज्रपात होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट जारी किया था। इसके साथ ही मंगलवार और बुधवार को भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में एक या दो स्थान पर भारी बारिश भी हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से मांगा प्रस्ताव। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है, वहीं चुनावी तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं। इसी बीच अब पंचायत चुनाव की तारीख का इंतजार उम्मीदवार कर रहे हैं। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से सलाह मांगी है। मिली जानकारी के अनुसार मतदान कराने का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेजा जाएगा, जिस पर राज्य कैबिनेट की बैठक में विचार किया जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति आने के बाद ही अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही पूरे राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। इस बाबत ही राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 अगस्त तक सभी जिलों से पंचायत चुनाव कार्यक्रम का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम की घोषणा अगस्त के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। बॉर्डर के रास्ते नेपाल से जाली नोट की पकड़ी गई तस्करी। नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती जिलों में नकली नोट सप्लाई करने का मामला सामने आया है। इस बाबत बिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत ही बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 9 लाख रुपए के जाली नोट के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस टीम ने तस्करों के पास से एक स्कॉर्पियो और 50,000 रुपए असली नोट बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मिले रुपयों में 100-100 रुपए के नोट हैं। हालांकि जब से पुलिस के हाथों तस्करों को पकड़ा गया है, तब से पकड़ाए गए तस्करों की निशानदेही पर देर रात तक सीतामढ़ी जिले में, मेजरगंज और मोतिहारी जिले में अलग अलग इलाके में छापेमारी भी की गई। भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड दिला सकता है बिहार का यह सितारा। आज भारत वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम के साथ सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाना है, जिसके तहत आज सभी की निगाहें भारतीय टीम पर होने वाली है। इतना ही नहीं, आज के हॉकी मुकाबले में बिहार वासियों की नजर भी इस मैच पर रहेगी, क्योंकि बिहार से सिवान जिले के रघुनाथपुर का लाल विवेक सागर इस हॉकी टीम का हिस्सा है। गांववासी विवेक की इस उपलब्धि पर बेहद खुश है। हालांकि वो अलग बात है कि विवेक सागर फिलहाल सपरिवार मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इटारसी में रहता है। आज विवेक अपने टीम के साथ यही कोशिश करेंगे कि हॉकी के खेल में भारत के सूखे को खत्म किया जाए। ऐसा लगभग 49 साल बाद हुआ है जब भारत ओलंपिक में हॉकी के खेल में सेमीफाइनल तक पहुंची हो। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर सेमीफाइनल में भारत प्रवेश करने में कामयाब हुआ था। बिहार में बालू माफियाओं के खिलाफ बढ़ेगी सख्ती। बिहार में बालू के अवैध खनन को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, साथ ही बालू को लेकर हो रही कालाबाजारी पर भी बिहार में सख्ती बढ़ाई जा रही है। हालांकि प्रशासन की सख्ती का कोई सकारात्मक परिणाम अब तक देखने को नहीं मिला है। यही कारण है कि बिहार सरकार ने अब बिहार में बालू माफियाओं पर नकेल और ज्यादा सख्त करने की योजना बनाई है, जिसके तहत बिहार में अवैध बालू पर रोक लगाने के लिए एक साथ दो स्तर पर कवायद की जाएगी। इस बाबत एक ओर जहां पर स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी, वहीं घाटों पर रात्रि प्रहरियों की तैनाती भी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते कुछ सालों से अवैध खनन के मामलों में हो रही वृद्धि के कारण बिहार सरकार को मिलने वाले राजस्व में भी भारी कटौती देखने को मिल रही है। यही कारण है कि अब सरकार बालू माफियाओं पर नकेल कसने की नए सिरे से तैयारी कर रही है। बिहार को मिलेगा 3 नया सीएनजी स्टेशन। बिहार के सभी डीजल ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करने का आदेश जारी हो चुका है। इतना ही नहीं, सीएनजी में गाड़ियों को कन्वर्ट करने के लिए सरकार ने अगले महीने की 30 तारीख तक का ही समय दिया है। हालांकि सीएनजी स्टेशन के अभाव की समस्या लगातार सामने आ रही थी। इसी बीच अब बिहार को 3 नए सीएनजी स्टेशन मिलने वाले हैं। बीएसआरटीसी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 3 जिले हाजीपुर, राजगीर और गया में इसी महीने सीएनजी स्टेशन का निर्माण शुरू हो जाएगा और इसे सितंबर अंत या अक्टूबर के
प्रारंभ तक पूरा कर लिया जाएगा। इन तीनों जगहों पर सीएनजी रिफ्यूलिंग स्टेशन के बन जाने से पटना से राजगीर होते गया और हाजीपुर होते मुजफ्फरपुर के लिए बस सेवा शुरू हो जाएगी। बीएसआरटीसी के प्रशासक श्याम किशोर ने कहा है कि गेल के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई है, जल्द ही रिफ्यूलिंग सेंटर का निर्माण हो जाएगा। बिहार पंचायत में होगा लॉटरी सिस्टम। इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि बिहार पंचायत चुनाव में एक तो पहली बार वोटिंग के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ अब लॉटरी सिस्टम का भी इस्तेमाल करने की खबर सामने आई है। यानी कि अगर पंचायत चुनाव में मतगणना के दौरान किसी भी दो उम्मीदवार को एक समान वोट मिले तो ऐसी परिस्थिति में लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकालेगा और जिस उम्मीदवार के पक्ष में लॉटरी निकलेगी उसे एक अतिरिक्त वोट प्राप्त हुआ माना जाएगा। इसके आधार पर ही निर्वाची पदाधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। डेंगू के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कवायद। कोरोना से जारी जंग के बीच बिहार में डेंगू की संभावना बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना के साथ साथ डेंगू को रोकने के लिए सरकार एकदम मुश्तैदी से काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो कोरोना संक्रमण के बीच डेंगू प्रबंधन के लिए भी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। इस महीने से लेकर अगले महीने तक डेंगू के मामलों में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसको देखते हुए ही सरकार अभी से ही अलर्ट मोड में काम कर रही है और जिलों से लेकर प्रखंड स्तर तक मुकम्मल तैयारी की जा रही है। इसको लेकर राज्य सरकार ने जुलाई महीने को डेंगू महीने के रूप में भी मनाया था। इस दौरान अलग अलग माध्यम से डेंगू के प्रबंधन और उसके खतरे को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा था। साथ जदयू सांसदों ने अमित शाह से की मुलाकात। बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना की मांग जोर शोर से सुनने में आ रही है, जिसके कारण जदयू लगातार जातीय जनगणना को लेकर जहां बयान दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन जदयू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने सांसद पहुंचे, जहां इन सभी सांसदों ने जातीय जनगणना की मांग को दोहराया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जाएगा और जातीय जनगणना हो इस बात की मांग की जाएगी। इसके साथ ही हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लालू यादव से मिले मुलायम और अखिलेश। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है, वहीं चुनाव से पहले विपक्षी दलों की लगातार हो रही मीटिंग से उत्तर प्रदेश चुनाव में नया मोड़ देखने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव में लालू प्रसाद यादव की भागीदारी चुनावी सरगर्मी को और ज्यादा बढ़ा रही है, जिसके तहत जेल से बाहर आए लालू प्रसाद यादव लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन लालू यादव ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। बीते दिन लालू यादव खुद ही इन दोनों नेताओं के घर मिलने पहुंचे, जहां पर तीनों की काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं मुलाकात की तस्वीर लालू यादव ने खुद भी साझा की थी और लिखा कि आज देश को पूंजीवाद और सांप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता और समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। बिहार में जमीन विवाद का निपटारा अब होगा 30 दिनों के अंदर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने म्यूटेशन से जुड़े मामलों के निपटारे में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए ही ऑनलाइन माध्यम से निपटारा करने की अपील की है, जिसको लेकर विभाग ने समय सीमा भी तय कर दिया है, जिसके तहत विभाग ने यह साफ कर दिया है कि अपीलीय प्राधिकार के तौर पर डीसीएलआर यानी कि भूमि सुधार अपस्वाहर्ता को अधिकतम 30 दिनों के अंदर विवादों का निपटारा करना होगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि इस आदेश पर तुरंत अमल करने की बात कही है। इसके साथ ही बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के विभिन्न धाराओं को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है, जिससे आने वाले समय में भूमि विवाद कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। पेगासस मामले को लेकर बोले मुख्यमंत्री नीतीश। बीते कई दिनों से कई अधिकारियों पर पेगासस जासूसी कांड को लेकर काफी बवाल हो गया है, जिसके कारण सरकार फिलहाल सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं इस मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन जनता दरबार के बाद अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर यह मामला उठा है तो इस पर सही तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा केस आया है तो जांच करवा देनी चाहिए। किसी के फोन के साथ अगर टेपिंग का काम हुआ है तो वो सरासर गलत है। पेगासस के बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे ये कहा कि अगर विपक्ष संसद में बहस की मांग कर रही है तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए और उचित निर्णय लेना चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि कौन किसके मोबाइल को किस तरह से सुन रहा है। सम्राट चौधरी के बयान पर मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया तो सम्राट चौधरी ने दी सफाई। हाल ही में बिहार के औरंगाबाद जिले में भाजयुमो की बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें सम्राट चौधरी ने गठबंधन की सरकार का चलना मुश्किल बताया था। इस पर ही बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में गठबंधन इतने दिनों से चल रहा है, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कोई दिक्कत है तो उनको अपने पार्टी के नेताओं से बात करनी चाहिए। जिस पर ही सफाई देते हुए मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा
जा रहा है। कुछ लोग उनके बयान का गलत मतलब निकालकर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। मैंने एनडीए को कटघरे में डालने की कोई कोशिश नहीं की है। अब छुट्टी के दिन भी होगा वेतन का भुगतान। अब तक वेतन लेने के लिए आपको वीकडेज का इंतजार करना पड़ता था, उसमें भी अगर दूसरा शनिवार हो जाए तो भी वेतन आपका फंस जाता था। हालांकि अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस अब सातों दिन 2400 घंटे काम शुरू कर चुकी है। यानी कि अब चाहे आपकी छुट्टी हो या कोई सामान्य दिन, आपका वेतन आपके पास किसी भी हाल में आ जाएगा। इतना ही नहीं, छुट्टी के दौरान शेयरों का लाभांश भी अब छुट्टी वाले दिन मिलेगा। इसके साथ ही प्रीमियम आदि समय पर जमा करने के लिए ई मैंडेट सेवा की शुरुआत की गई है और इसकी प्रोसेसिंग अवधि भी घटा दी गई है। पहले यह अवधि 21 दिन थी जो कि अब 2 दिन मात्र कर दी गई है। टेस्ट से पहले ही पिच देखकर टीम इंडिया दिखी परेशान। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। 4 अगस्त से नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज में टेस्ट सीरीज का आगाज हो जाएगा। बुधवार को इंग्लैंड से भिड़ने से पहले भारतीय खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट की निगाह पिच पर पड़ी। पिच पर हरी घास को देखकर भारतीय बल्लेबाज को आने वाली चुनौतियों का बखूबी अंदाजा हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पिच की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में पिच पर पूरी तरह से हरी घास नजर आ रही है। इसका मतलब है कि पिच तेज गेंदबाजों को काफी मदद करने वाला है। हरी घास तेज गेंदबाजों को स्विंग और सिम में मदद करेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। पहला समुद्री जहाज पनामा नहर से 1914 को गुजरा। बाबा आमचे को जनसेवा के लिए रेमन मैगसेस पुरस्कार 1985 में आज के दिन प्रदान किया गया था। मुंबई के बांद्रा में 1998 को इमारत ढहने से 35 लोगों की जान चली गई थी। महिलाओं के लिए आज के दिन 2012 में कार्यस्थल पर सुरक्षा विधेयक 2010 पारित हुआ। इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाजों के साथ स्पेन से भारत की खोज पर 1492 को रवाना हुए थे। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री का जन्म 1984 में आज के दिन हुआ था। महात्मा गांधी के पुत्र और प्रसिद्ध पत्रकार देवदास गांधी का निधन 1957 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को विश्व स्तनपान दिवस और हृदय प्रत्यारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,380 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,380 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। व्हाट्सएप का स्टेटस आसानी से करें फेसबुक पर शेयर। आज के समय में अपनी दिनचर्या को स्टेटस के माध्यम से लोगों के साथ शेयर करना आम बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक भी समय समय पर नए फीचर को रोल करता रहता है। इसी बीच हम आपको आज एक खास फीचर के बारे में बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप आसानी से अपने स्टेटस यानी कि व्हाट्सएप से फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करें और स्टेटस पर जाएं, अपना स्टेटस अपडेट करें। जैसे ही स्टेटस अपडेट करेंगे वहां साइड में 2 शेयरिंग के ऑप्शन दिखाई देंगे। उन शेयरिंग ऑप्शन पर टैप करें। अब शेयर टू फेसबुक स्टोरीज का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर टैप करें। इसके बाद अलाउ पर टैप करें। इतना करते ही आप सीधा फेसबुक पर पहुंच जाएंगे। यहां शेयर नाउ का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आपका व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक पर शेयर हो जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है महावीर भूमिया, रोहित कुमार, पप्पू सर, मंडान यादव, पंकज कुमार दास, रमेश कुमार, विकास प्रजापति, शशि सिंह कुमार, केमी शशि सिंह, कुमार साहिल, सोनू कुमार, सौरभ मिश्रा, नन्नू कुमार, एलपी वर्मा, शिवशंकर कुमार, मनीष कुमार, राजीव कुमार, विनोद कुमार, शोएब अंसारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में डेंगू के रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है। अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।